CSIR केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी CMERI दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर इकाइयों का विकास किया है। इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई एवं डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। बैटरी आधारित डिसइंफेक्ट स्प्रेयर यानी BPDS एवं न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन यानी POMID नामक इन दोनों इकाइयों का उपयोग टेबल, डोर नॉब, लाइट स्विच, काउंटर टॉप्स, हैंडल, डेस्क, फोन, कीबोर्ड, शौचालयों, सिंक एवं कार्डबोर्ड जैसे अक्सर छुए जाने वाली सतहों की सफाई एवं डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इन डिसइंफेक्टिंग इकाइयों का उपयोग कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है, जो BPDS एवं POMID दोनों में ही स्प्रेयर सिस्टम की डिजाइन 2 चरण स्प्रेइंग इकाइयों एवं निचले तथा ऊपरी टीयर्स में फिक्स्ड एवं फ्लेक्सिबल नोजल सेट की संख्याओं द्वारा इंडोर क्षेत्रों की सफाई करने तथा डिसइंफेक्ट करने के लिए पृथक स्टोरेज टैंक के साथ बनाई गई है। भारी उपयोग एवं अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए डिसइंफेक्टेड स्प्रेयर का एक औद्योगिक वेरिएंट भी शामिल है। POMID मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्टेड इकाई 4 पहियों पर स्थित स्टील फ्रेम से बनी होती है। ये प्रणाली कंप्रेशर, पाइपिंग एवं फिटिंग्स तथा स्प्रे नोजल से निर्मित होती है और हाथ से पकड़े जा सकने वाले फ्लेक्सिबल स्प्रे आर्म का उपयोग इच्छित किसी भी दिशा में किया जा सकता है। ये स्प्रेयर मैपिंग फीचरों तथा एक्सटेंडेबल से भी सुसज्जित है, जिससे कि छुपे हुए क्षेत्र तक पहुंच सके और व्यापक रूप से सफाई की जा सके। इन प्रौद्योगिकियों की प्रासंगिकता वर्तमान COVID-19 संकट के बाद भी बनी रहेगी, क्योंकि वायरस लगातार विद्यमान रह जाते हैं। और इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी दी CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी ने। CDC गाइडलाइन बहुत क्लियरली बताते हैं, जब आप कुछ भी स्प्रे करें उसको स्प्रेड होने दें, तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, और उसको स्प्रेड होने दें, उसको टाइम दें ताकि जम से एक्ट करे। अगर वो टाइम नहीं देंगे, उससे पहले ही वाइप कर लेंगे, तो आपको एक इल्यूजन होगा, गलत फीलिंग होगा कि मैंने साफ किया है, बट जम्स उसमें रहेंगे। तो उसको तोड़ने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया कि क्यों नहीं क्लीनिंग और जो डिसइंफेक्शन है यूनिट एक साथ रखें, और दूसरा टाइम दिया जाए कि वाइपिंग में इन बिटवीन जो बीच बीच में जो वाइप करने का होता है उसमें टाइम दिया जाए। तो एक ट्रॉली सिस्टम है या व्हीलचेयर सिस्टम है, आपको बड़ा हॉल साफ करना है, व्हीलचेयर लेके इजीली घूम सकते हैं, हो सकता है वो 1 मिनट ले या 2 मिनट ले, क्योंकि ये बहुत फास्ट सिस्टम है ये, तो 1-2 मिनट में आपने साफ कर दिया। उसके बाद वो जो क्लॉथ से लेके वाइप करता है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। 2 फायदे होते हैं जब हम स्प्रेयर्स लगाते हैं, क्योंकि इसमें 2 टायर में स्प्रेयर है, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, और एक और अटैचमेंट डाला है हैंड स्प्रेयर। कहीं कहीं बहुत कोनों में जाना होता है, एक उसमें बड़ा सा, अगर आप मेरे साइड में देखें या राइट हैंड साइड में, ये हैंड हेल्ड स्प्रेयर है, उसका नॉब बहुत जो ये टेलीस्कोपिक है तो काफी खुल जाता है, तो आप 8-10 फीट दूर तक आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम बताएं कि जैसे जो पहले जो पीठ पे लाद के स्प्रेयर सिस्टम लगाते थे उसकी कंपैरिजन में ये 10 से 100 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तो है कि पार्टिकल साइज छोटा करते हैं इसमें हम, जैसे जैसे पार्टिकल साइज छोटा करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते हैं, उससे इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसमें ज़्यादा लेबर भी नहीं लगता है कि मशीन अपना काम कर रही है, तो क्लीनिंग स्टाफ को भी अच्छा लगता है काम करना इसमें। और हमारा एक ही यूनिट से पहले क्लीनिंग होता है, फिर मैनुअल अभी ये वाइपिंग कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्टली मैकेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैकेनाइज हो जाए और उसके बाद डिसइंफेक्ट हो। तो ये मुझे लगता है जो एक चैन बनाया है वो ज़्यादा किफ़ायती भी है और इफेक्टिव भी है, और इससे लाभ ज्यादा होगा।
काफी टाइम हम ये सोचते हैं ये ओनली कोविड में काम आएगा, बट हमें लगता है ये बिना कोविड या पोस्ट कोविड भी काम आएगा। क्योंकि तो इंडिया में अगर देखा जाए तो हमें सर्दी जुकाम 4 से 5 महीने सीजन रहता है, अगस्त से सीजन शुरू होता है, जनवरी तक चलता है। उसको क्यों नहीं कम किया जाए, क्योंकि वो भी वायरस रिलेटेड है, वो भी इन्फेक्शियस है। और काफ़ी टाइम एक फैमिली में किसी मेंबर को होता है, कुछ 4 दिन 5 दिन के बाद दूसरे फैमिली मेंबर को होता है। अगर ये वाली यूनिट लगाए जाए तो हो सकता है फ्यूचर में और फ़ायदा मिले। ये जो खर्दी सर्दी जुकाम या दूसरे वायरस रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इंडिया में कम हो जाए। इनको और अच्छा करने के लिए 2 यूनिट बनाए, एक में बैटरी ऑपरेटेड किया, जो छोटे छोटे यूनिट्स में वायर लेके जा नहीं सकेंगे, और दूसरा ये किया कि वायर जहाँ पे कर सकते हैं पर हॉल बड़े हैं उसमें और पार्टिकल साइज छोटा करके कंप्रेसर बेस किया जाए। तो एक हमने पावर एक पंप बेस किया है, बट हाई प्रेशर पंप है, इसमें नोजल डिजाइन इतना अच्छा किया गया है तो पार्टिकल साइज छोटा हो जाए। और दूसरा हमने कंप्रेसर बेस किया है जिसमें भी पार्टिकल साइज छोटा नोजल के कारण हो रहा है, और साथ साथ में जब हवा प्रेशर पे आती है तो पार्टिकल को स्प्लिट करती है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बढ़ जाते हैं। तो ये जो फायदा होता है मीन्स कम केमिकल यूज करो और एडवांटेज ज्यादा मिले, तो इन दोनों सिस्टम्स में वो रखा गया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हम लोगों ने एक यूनिट ऑलरेडी संस्था को दिया है, जो शायद ब्लाइंड स्कूल संस्था को किसी ने डोनेट करने की बात की थी, और साथ में एक टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर किया है। इससे क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जब ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रोडक्शन में आ सकता है और नीडी लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है।